A circle C of radius 1. A circle C of radius 1. A circle C of radius 1 lies in first quadrant. Lies in first quadrant and touches both the coordinate axes. Okay. And touches both the coordinate axes. Find the radius of circle which touches both the coordinate axes lies in first quadrant and cuts above circle orthogonally. ठीक है, ध्यान से देखना. Let मेरे पास क्या है कि कुछ coordinate axis दिया है, ऐसा कुछ दिया है, और एक circle है जो दोनों को touch कर रहा है, और इसकी radius कितनी है? 1 है. तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, radius 1 है. तो first quadrant में ही lie कर रहा है, तो इस circle की equation को क्या लिख सकता हूँ मैं? X minus 1 का whole square plus Y minus 1 का whole square equal to 1. ये 1 है और ये 1 है, तो इसके center भी 1, 1 होगा. बात समझ में आ गई ना? अब एक ऐसा circle हमें निकालना है जो first quadrant में ही lie करता है और दोनों axes को touch भी करता है, शायद दोनों axes को touch भी करता है ना? है? दोनों एक्सिस को टच भी करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, लेकिन साथ में इस जो ऊपर वाला सर्कल है उसको कैसे कट करता है? ऑर्थोगोनली. तो इसका आर अननोन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, आर पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ आर प्लस है. तो इसकी इक्वेशन में कैसे लिख सकता हूं? एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है कि नहीं? लेकिन मुझे r की वैल्यू कब निकालनी है? जब जो सेकंड सर्किल है फर्स्ट को कैसे कट करेगा? ऑर्थोगोनली. तो ऑर्थोगोनली कट करेगा, तो उसके लिए जरूरी क्या है? पहले मैं इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर लेता हूं, कितना आ जाएगा? ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 प्लस 1, तो प्लस 1 इक्वल टू 0. और ये कितना आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2ry प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0. तो ये सर्किल इसे ऑर्थोगोनली कट करे तो कितना आएगा? 2g1g2. तो g1 की वैल्यू कितनी है? है माइनस 1. g1 कितना है? माइनस 1. f1 कितना है? माइनस 1. c1 कितना है? 1. g2 कितना है? माइनस r. f2 कितना है? माइनस r. c2 कितना है? आर स्क्वायर. ठीक है करिए. तो लेकिन ये जो सर्किल है ऊपर वाले सर्किल को कैसे कट कर रहा है? ऑर्थोगोनली. तो क्या अप्लाई करेंगे? 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2. तो 2g1g2 का मतलब क्या होगा? 2r प्लस 2r इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1. r में क्या बन गई? क्वाड्रेटिक. क्या बनी? r की वैल्यू क्या आ रही है? आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0. तो दो r के दो ऐसे दो सर्कल पॉसिबल होंगे. एक r कितना आएगा? 4 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब कितना होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब कितना होगा? 16 माइनस 12 अपॉन 2. तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस माइनस रूट 3. समझ गए कि नहीं? एक आर के लिए एक सर्किल आ जाएगा यहां से, दूसरे आर के लिए दूसरा सर्किल. समझ आ गया? कोई डाउट है? सही तरह से आ गया ना? ये नोट कर लिया? ओके. सेकंड लिखो.
लिखो जरा, शो दैट लाइंस, शो दैट लाइंस 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 कट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, कट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स. Also find the equation of circumcircle, मतलब circle. Also find the equation of circle. देखिए यार, ये x axis को किस पे कट करेगा? ये किसको कट करेगा? y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हैं? y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस वन कॉमा जीरो, एक पॉइंट तो ये आ गया. x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? 0.3 आ रहा है, ये b आ गया, a1 वन आया, ये b1 वन आया. इसमें y को 0 रखा तो x कितना आया? 6 a2. और x को 0 रखा तो y है 0.-2. बहुत ध्यान से देखना, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है. मुझे ये लेके आना है कि ये कौन साइक्लिक पॉइंट है. तो OA1 की वैल्यू कितनी आ रही है लेंथ वाइज? 1. OA2 कितना आ रहा है? 6. OB1 कितना है? 3. OB2 कितना है लेंथ वाइज? 2. तो मेरे पास क्या है? OA1 इंटू OA2 इक्वल टू कितना है? OB1 इंटू OB2. सो आई कैन से ऑल द फोर पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक. नोट कर लो, ठीक है कि नहीं? अब सर्कम सर्किल की इक्वेशन निकालनी है और चार पॉइंट हमें मालूम है, तो कैसे निकाल सकते हैं? अल्टीमेटली एक ये लाइन है और एक ये लाइन है और कुछ ये दो लाइन है, इनसे जो पॉइंट मार रहे हैं वो कौन साइक्लिक है, मतलब ऐसे ही निकालना ना. सर्कम सर्किल की इक्वेशन निकाल सकते हैं आसानी से, मुझे लग रहा है. कैसे करेंगे? एल वन एल टू प्लस लेमडा टाइम्स एल थ्री एल फोर कर लो. चार क्वाड्रिलेटरल से जो सर्किल बन रहा है वो कैसे निकालेंगे? बहुत सारे तरीके हैं आप निकाल सकते हैं. क्यों है? इन चारों पॉइंट से पास होने वाली सर्किल की इक्वेशन वैसे भी निकाल सकते हैं, आसान से पॉइंट्स हैं. क्या है, कैसे निकालेंगे? पॉइंट क्या क्या है मेरे पास? मान लो पॉइंट से ही करना चाह रहा हूं, वैसे तो और भी तरीके हैं मेरे पास. चार लाइन मालूम है तो सर्किल निकाल सकता हूं. एल वन एल टू प्लस लेमडा टाइम्स एल थ्री एल फोर इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशियंट क्या कर दूं? बराबर कर दूं, एक्स वाई के कोफिशियंट जीरो कर दूं. लेकिन उससे नहीं कर रहा मैं, ध्यान से देखना. ये मेरे पास क्या था? ये वाला पॉइंट क्या था? 6.0 और इधर कितना है? माइनस 1.0 और इधर कितना है? 0.3 और इधर कितना है? 0.-2. कैसे किया जाए आसानी से, कैसे किया जा सकता है? ध्यान से देखना, ये कॉर्ड होंगी ना सर्किल की, ये और ये, तो कॉर्ड होंगी दो, तो सेंटर किस पे होगा? जैसे ये हमारे पास कॉर्ड है, ये क्या है? ये आसान है, इसलिए मैं सब ए वन नाम दिया था इसका. क्या दिया था? ए वन बी वन
और ए टू बी टू, तो जो सर्किल का सेंटर होगा वो ए वन ए टू के परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर होगा कि नहीं होगा, है कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर होता है ना, ये कॉर्ड है तो सेंटर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, ये भी एक कॉर्ड है तो इसके भी परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर होगा, तो इसके परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर भी होगा, तो इसका मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 5/2 और इनके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 1/2, तो जो सर्किल होगा उसके कोऑर्डिनेट सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 5/2, 1/2, और यहां से किसी भी एक रेडियस को लिख लो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सर्कम सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। बात समझ में आ गई ना, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर कितना आएगा, किसी भी एक से डिस्टेंस लिख दो अंडर रूट 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, खत्म, ये वाली लेंथ लिख दी। बात समझ में आ गई ना, किस फैक्ट का यूज किया, जो सेंटर होता है किसी भी कॉर्ड के किसके होता है परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, और ये थोड़ी आसान थी इसलिए मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया। देखो यार कितना आ रहा है, ये तरीका समझ में आ गया कि नहीं है, दूसरे तरीके भी पॉसिबल है लेकिन ये थोड़ा आसान ही है इस केस में, अदरवाइज L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स L3 L4 करके भी कर सकते थे अपन। समझ आ गए, जल्दी करो, है एक और लिखो, फ्रॉम द पॉइंट पी x0, y0 एक ही लाइन में करना है, ये आपको ही दूंगा करने के लिए, पहले मैं करा चुका हूं ऐसा कुछ, फ्रॉम द पॉइंट पी x0, y0 टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन, टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू सर्किल x2 प्लस y2 प्लस 2 लैम्डा x प्लस 2 म्यू y प्लस c इक्वल टू 0, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ, इफ ऐसे लिखो, इफ a एंड b आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इफ a एंड b आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, then find equation of circumcircle of triangle PAB, then find equation of circumcircle of triangle PAB, करिए, आधा मिनट का टाइम है आपके पास। भैया देखो यार ये कितनी बार मैं बता चुका हूं कि ये ए है मेरे पास, इधर बी है, तो ये एंगल क्या होता है, ये सेंटर ओ मान लो, तो ये चारों पॉइंट कैसे होते हैं, कौन सा एक्लिक, तो सर्कम सर्किल ऑफ PAB एंड सर्कम सर्किल ऑफ AOB एंड सर्कम सर्किल ऑफ क्वाड्रिलेटरल APBO आर सेम। बात समझ में आ गई कि नहीं, तो एक स्टेप का ये 90 है, तो ये चारों के चारों पॉइंट सेम होते हैं, चाहे PAB का सर्कम सर्किल हो, चाहे OAB का सर्कम सर्किल हो, चाहे OAPB इसका सर्कम सर्किल हो, चाहे OAP का सर्कम सर्किल हो, चाहे OPB का सर्कम सर्किल हो, वो क्या होगा, सेम होगा, और होगा क्या, हैविंग एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ONP, तो इसके सेंटर कितने, माइनस लैम्डा माइनस म्यू, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स प्लस लैम्डा प्लस वाई माइनस वाई नॉट
y प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो. ये स्टेटमेंट ढंग से लिख लो. पहले भी मैंने बताया सर्कम सर्किल ऑल द फोर पॉइंट्स आर, लिखो यार ऑल द, लिख लो ऑल द फोर पॉइंट्स ओ ए पी बी lies on a circle. Lies on a circle. So, circumcircle of O A P B is same as O A P. Is same as circumcircle of O A P. Is same as circumcircle of OPB and same as circumcircle of OAB. और ये circle क्या होगा? It is the circle having end points of diameter P and O. समझ गए ना? ठीक है कि नहीं? याद रहेगा? Okay. है? अच्छा अच्छा चल ठीक है. Next लिखो. A circle touches the line. A circle touches the line 2x plus 3y plus 1 equal to 0 at the point 1 comma minus 1. 1 comma minus 1 is pehle hi kar raha hai. Okay, very good. And orthogonal to circle. And orthogonal to circle having end points of diameter A 0 comma minus 1 and B minus 2 comma 3. Then find the equation of circle. Achhi problem hai ye. Then find the equation of circle. Dekho chalo. वो सर्किल कौन सा होगा जिसके एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ये होंगे? ध्यान से देखना बताना. x माइनस जीरो, कम से कम ये तो लिखना चाहिए, सब्जेक्टिव जेई में आया. x प्लस टू प्लस y प्लस वन y माइनस थ्री इक्वल टू जीरो. तो ये कितना आ गया? बहुत ध्यान से बताना मेरे को. x स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस y स्क्वायर माइनस टू वाई, और ये कितना जीरो में गया और माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये आ गया. अब जब मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट की इक्वेशन दी हो, तो वेरिएबल सर्किल ऐसा प्लान करना हो तो क्या मानते हैं हम? क्या मानेंगे? एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम. दूसरी अप्रोच से भी होगा लेकिन बहुत लेंथी जाएगा. टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो. मैंने आपको बताया कि जब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मालूम है और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे टेंजेंट की इक्वेशन मालूम है, तो वेरिएबल सर्किल हमेशा किस फॉर्म में मानते हैं? एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स. ठीक है कि नहीं? अब सिंपल सी प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गई कि मेरे पास लेमडा कब निकालना है, कि जब वो सर्किल इस सर्किल को कैसे कट करें ऑर्थोगोनली. तो जीवन की वैल्यू कितनी है मेरे पास? वन. और f1 की वैल्यू कितनी है? माइनस वन. और c1 की वैल्यू कितनी है? माइनस थ्री. यहां से देखते हैं g2 की x स्क्वायर आएगा और प्लस माइनस टू एक्स आएगा, y स्क्वायर आएगा माइनस टू वाई आएगा, प्लस टू आएगा प्लस टू लेमडा x आएगा, प्लस थ्री लेमडा y आएगा प्लस लेमडा आएगा. तो g2 की वैल्यू कितनी आई? x का कोफिशियंट कितना आ रहा है? लेमडा माइनस वन. जी टू कितना आ रहा है? लेमडा माइनस वन. एफ टू कितना आ रहा है?
3 लैम्डा माइनस 2 बाई 2, सही है। और C2 कितना आ रहा है, 2 प्लस लैम्डा है, C2 कितना आ रहा है, C2 कितना आ रहा है, क्या सही है क्या? तो 2G1 G2, 2G1 G2, G1 G2 means 2 2 lambda minus 2 plus 2 F1 F2 minus 3 lambda plus 2 equal to C1 plus C2 minus 3 प्लस 2 प्लस लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कुछ आ भी रही है कि नहीं आ रही है यहां से? लैम्डा कितना आ रहा है? ये कैंसिल हुए भैया, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मामला? माइनस लैम्डा और प्लस लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू कितना आया, लैम्डा कितना आ रहा है? एक लैम्डा ये और एक लैम्डा ये, 2 लैम्डा बचेगा और ये कितना बचेगा, यही कैंसिल हो है? कुछ गलत किया है देखो यार, यहां पे कितना आएगा, माइनस का ही आएगा, ये तो प्लस का आएगा ना, वाई स्क्वायर प्लस टू वाई होगा ना, तो F2 की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 2 बाई 2 होगी, तो यहां पे कितना आएगा, यहां माइनस 2 आएगा है, सही है कि नहीं? तो माइनस 2 होगा तो फिर क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, कैलकुलेशन करके देखो, और तो कोई अंतर आएगा नहीं, लगाना अप्लाई करना है, 2 G1 G2 टू जी वन जी टू कितना आया, 2 लैम्डा माइनस 2, 2 एफ वन एफ टू माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू सी वन प्लस सी टू माइनस 3 प्लस 2 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, एक लैम्डा सा बचे, 2 लैम्डा बचे, इक्वल टू माइनस 4, माइनस 4 और प्लस 1 माइनस 3, लैम्डा कितना आ रहा है, माइनस 3 बाई 2 आ रहा है, लैम्डा को इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास सर्किल आ जाएगा, सर्किल की भी इक्वेशन लिख दो क्या आएगी, फाइनली x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस 3 बाई 2 और क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, समझ गए कि नहीं, इसको ध्यान रखना ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, टू वर्टिक्सेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, बहुत आसान है लेकिन जेई की प्रॉब्लम है ये भी, टू वर्टिक्सेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ए माइनस 1,0 एंड बी 1,0 एंड द थर्ड वर्टेक्स लाइज अबव एक्स एक्सिस एंड द थर्ड वर्टेक्स लाइज अबव एक्स एक्सिस then find the equation of circumcircle, then find the equation of circumcircle, attempt karo, साइड लेंथ कितनी आ गई, ए माइनस 1,0, बी क्या है 1,0,
टू है और ऊपर लाई कर रहा है इक्विलेटरल है, तो ये भी टू होगा और ये भी टू होगा. ओके ये टू है और ये 60 है, तो टू साइन 60 कितना होता है, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो टू साइन 60 का मतलब रूट टू, 0.3 आ जाएगा. अब क्या है, इक्विलेटरल है तो सेंट्रोइड ही क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा, तो सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 0 + 1 - 1/3, √3 + 0 + 0/3. सर्कम सेंटर यही आ जाएगा क्या, कितना आया, 0.1/√3. ओके वेरी गुड. अब क्या है, डायरेक्ट लिख देते हैं अपन x - 0 का होल स्क्वायर + y - 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, किसी से भी लिख दो एक से डिस्टेंस, अंडर रूट क्यों, आर स्क्वायर लिखना है ना, तो कितना आएगा 1 - 0 का होल स्क्वायर + 0 - 1/√3 का होल स्क्वायर. ये कैसे निकाला मैंने, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर कैसे होंगे सेम, तो सर्कम सेंटर एक बार मेरे पास आ गया, उसके बाद ये कोई भी लेंथ क्या होगी, सर्कम रेडियस, और ये आ गई, उसके बाद मैंने सर्किल लिख दिया. बस समझ गए कि नहीं, ऐसा कुछ आ जाएगा सर्किल सेट ऊपर, समझ गए, आ गया है. अच्छा अच्छा चल ठीक है.